तो दोस्तों स्पाइडरमैन एक्सप्लेन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सन 2004 की स्पाइडरमैन 2 मूवी के बारे में। सैम रायमी की डायरेक्ट की हुई इस दूसरी स्पाइडरमैन मूवी को वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो फिल्म कहा जाता है। इस मूवी की स्टोरी, एक्शन, ग्राफिक्स और म्यूजिक सबके सब काफी बढ़िया है और ये एक टिपिकल साइंस फिक्शन मूवी है। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं स्पाइडरमैन 2 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस फिल्म की स्टोरी सन 2004 यानी स्पाइडरमैन 1 के 2 साल बाद की है। पीटर पार्कर अब कॉलेज में आ गया था और वो पढ़ाई के साथ साथ स्पाइडरमैन बनकर शहर की हिफाजत भी कर रहा था, लेकिन स्पाइडरमैन का फर्ज निभाने से पीटर की पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती, उसकी नौकरी चली जाती है और वो अपने प्यार से भी दूर हो जाता है। इसी दौरान पीटर का दोस्त हैरी ऑसबॉर्न अपने पिता के मरने की वजह से ऑस्कॉर्प कंपनी का मालिक बन गया था और वो कंपनी का रिसर्च डिपार्टमेंट संभाल रहा था। अपनी कंपनी के फायदे के लिए हैरी ने एक साइंटिस्ट के साथ पार्टनरशिप की थी जिनका नाम था ऑटो ऑक्टेवियस। डॉक्टर ऑक्टेवियस एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो कि फ्यूजन रिएक्शन पर काम कर रहे थे ताकि वो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। अपने इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एक रिएक्टर बनाया था और वो जल्द ही उसका टेस्ट करने वाले थे। हैरी ने इस प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर ऑक्टेवियस को बहुत सारा फंड और ट्रिटियम नाम का एक खास एलिमेंट दिया था। उस टाइम पर पीटर भी अपने कॉलेज के असाइनमेंट के लिए फ्यूजन पावर पे ही रिसर्च कर रहा था, इसीलिए हैरी पीटर की हेल्प करने के लिए उसे डॉक्टर ऑक्टेवियस से मिलवाता है, जिससे वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पीटर को ये डाउट था कि डॉक्टर ऑक्टेवियस उस फ्यूजन रिएक्शन को स्टेबल कर पाएंगे, पर उन्हें ये यकीन था कि वो ये काम कर लेंगे। फिर अगले दिन डॉक्टर ऑक्टेवियस अपना वो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए वहां पर हैरी, पीटर और बहुत से लोग आए हुए थे। डॉक्टर ऑक्टेवियस ने अपने काम को आसान बनाने और उस फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिकल आर्मर बनाया था जिसमें 4 टेंटिकल्स थे जो कि बहुत ही पावरफुल थे और उनकी वायरिंग सीधे डॉक्टर ऑक्टेवियस के दिमाग से जुड़ी हुई थी। उस आर्मर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम भी था जिसका काम था खुद को और अपने यूजर को प्रोटेक्ट करना, पर ऑक्टेवियस ने उस आर्मर में एक इनहिबिटर चिप भी लगाई थी ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके दिमाग पे हावी ना हो सके। फिर जब वो ट्रिटियम का इस्तेमाल करके अपना रिएक्टर चालू करते हैं तो फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाती है और वहां पर एक छोटा सा सूरज बन जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो रिएक्शन अनस्टेबल होने लगती है क्योंकि वो रिएक्टर इतना अच्छा नहीं था कि वो उस रिएक्शन को संभाल पाता। फिर वो सूरज धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वो आसपास की सभी चीजें अपने अंदर खींचने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर ऑक्टेवियस उस रिएक्टर को बंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो स्टेबल हो जाएगा और अगर उन्होंने मशीन बंद की तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पर पीटर ये समझ गया था कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए वो वहां से हट जाता है और वो स्पाइडरमैन बनकर वहां आ जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ऑक्टेवियस की बीवी वहां की तोड़फोड़ से मर गई थी और ऑक्टेवियस भी शॉक लगने की वजह से घायल हो जाते हैं और उनके आर्मर की चिप जल जाती है, लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन उस मशीन का पावर सप्लाई कट कर देता है जिससे वो रिएक्शन बंद हो जाती है और बाकी लोग बच जाते हैं। इस पूरी घटना से हैरी को काफी दुख होता है क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैसे लगाए थे, इसीलिए उसकी कंपनी को बहुत नुकसान होता है। अब उसके पास जीने का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था और वो था स्पाइडरमैन से बदला लेना, क्योंकि हैरी को अभी भी यही लग रहा था कि स्पाइडरमैन ने ही उसके पिता को मारा है। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां जब डॉक्टर्स उनका एक्सरे निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस आर्मर का बेल्ट पिघलकर ऑक्टेवियस की हड्डियों से जुड़ चुका है, इसी वजह से अब उसे निकालना नामुमकिन हो गया था। इसीलिए डॉक्टर्स उस आर्मर को काट के अलग करने का फैसला करते हैं, पर क्योंकि अब उस आर्मर की इनहिबिटर चिप जल गई थी इसीलिए अब उसकी AI पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था और वो अपनी मर्जी से काम कर रही थी। जब वो डॉक्टर्स उन टेंटिकल्स को काटने की कोशिश करते हैं तब वो टेंटिकल्स खुद को बचाने के लिए उन डॉक्टर्स को मार डालते हैं। फिर जब ऑक्टेवियस को होश आता है तो वो उन डॉक्टर्स की लाश देखकर हैरान रह जाते हैं और वो उस हॉस्पिटल से निकलकर एक सुनसान फैक्ट्री में चले जाते हैं और वहां वो सुसाइड करने की सोचते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। पर तभी उस आर्मर की AI उनसे बातें करना शुरू करती है और वो धीरे धीरे उनके दिमाग पर हावी होने लगती है। वो ऑक्टेवियस को बोलती है कि उनका कैलकुलेशन बिल्कुल सही था, इसीलिए उन्हें फिर से वो रिएक्टर बनाना चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें चोरी क्यों ना करना पड़े। इससे ऑक्टेवियस का दिमाग करप्ट हो जाता है और वो पूरी तरह से उस आर्मर के कंट्रोल में आ जाता है और अब वो अपना काम पूरा करने के लिए सारी सीमाएं तोड़ने को तैयार हो जाता है। इसके बाद
ऑक्टेवियस एक बैंक में जाता है और वहाँ वो अपने आर्मर की मदद से चोरी करना शुरू करता है। उस टाइम पर पीटर और उसकी आंटी भी वहाँ किसी काम से आए थे। जब पीटर वहाँ ऑक्टेवियस को चोरी करते हुए देखता है तब वो अपना स्पाइडरमैन सूट पहनकर वहाँ आ जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और तब ऑक्टेवियस आंट मे को पकड़ लेता है ताकि कोई उसका पीछा ना करे, लेकिन स्पाइडरमैन उसके पीछे जाता है और वो उससे लड़के आंट मे को बचा लेता है। पर इसके बावजूद भी ऑक्टेवियस पैसे चुराने में कामयाब हो जाता है और वो उन पैसों से उस वीरान फैक्ट्री में ही अपना रिएक्टर बनाना शुरू करता है। उस बैंक वाली घटना के बाद से ऑटो ऑक्टेवियस डॉक्टर ऑक्टोपस के नाम से मशहूर हो जाता है। दूसरी तरफ पीटर की जिंदगी और भी उलझती जा रही थी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी और अब मैरी जेन एक दूसरे लड़के से शादी करने वाली थी। हालांकि वो अब भी पीटर को पसंद करती थी, लेकिन पीटर उससे दूर रहता था इसीलिए वो मजबूरी में किसी और से शादी कर रही थी। ये देखकर पीटर को बहुत बुरा लगता है। इसके अलावा अब हैरी भी उससे बहुत नाराज रहने लगा था, क्योंकि हैरी को लगता था कि पीटर स्पाइडरमैन की फोटोज निकालता है इसीलिए वो उसे जानता है, और हैरी चाहता था कि पीटर उसे स्पाइडरमैन का पता बता दे ताकि वो उससे अपने पिता की मौत का बदला ले सके। लेकिन पीटर ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए हैरी उस पर बहुत गुस्सा होता है। इन सब कारणों से पीटर का स्ट्रेस और टेंशन बहुत बढ़ जाता है और इस वजह से उसकी शक्तियाँ ठीक से काम नहीं करती। फिर धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ बहुत कम हो जाती है और उसका शरीर भी कमजोर होने लगता है। पीटर ये समझ गया था कि ये सब उसके टेंशन की वजह से हो रहा है और अपने टेंशन को कम करने के लिए वो स्पाइडरमैन का काम छोड़ने का फैसला करता है ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ अच्छे से जी सके। इसीलिए पीटर अपना स्पाइडरमैन सूट एक कचरे के डब्बे में फेंक देता है और वो एक आम जिंदगी जीना शुरू कर देता है। इसी दौरान एक कचरे वाले को वो स्पाइडरमैन सूट मिल जाता है और वो उस सूट को डेली ब्यूगल न्यूज कंपनी में बेच देता है। स्पाइडरमैन का सूट कचरे में मिलने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे सबको लगता है कि स्पाइडरमैन हमेशा के लिए जा चुका है। इसीलिए शहर में जुर्म काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये देखकर पीटर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो इस सब से दूर ही रहता है। पर बाद में उसे ये एहसास होता है कि दुनिया को उसकी जरूरत है, इसीलिए वो दोबारा स्पाइडरमैन बनने का सोचता है, लेकिन अब भी उसकी शक्तियां नहीं लौटी थी इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाता। उधर डॉक्टर ऑक्टोपस का वो रिएक्टर बन जाता है। अब उसे बस ट्रिटियम की जरूरत थी जो कि सिर्फ हैरी ऑसबॉर्न के पास ही मिल सकता था। इसीलिए ऑक्टेवियस हैरी के घर जाता है और वो उसे धमका के ट्रिटियम मांगता है, लेकिन हैरी उसे ये बोलता है कि वो उसे ट्रिटियम तब ही देगा जब वो स्पाइडरमैन को पकड़कर लाएगा। वो ऑक्टेवियस को बोलता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन को जानता है इसीलिए वो उससे स्पाइडरमैन का पता उगलवा सकता है, और तब ऑक्टेवियस पीटर को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ मैरी जेन पीटर से मिलती है। वो अपनी शादी से पहले आखिरी बार उससे ये जानना चाह रही थी कि वो उससे प्यार करता है या नहीं, लेकिन पीटर ने अब फिर से स्पाइडरमैन बनने का सोच लिया था इसीलिए वो मैरी को मना कर देता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाता है और वो पीटर को बोलता है कि वो स्पाइडरमैन को उससे मिलने बोले। फिर ऑक्टेवियस मैरी को किडनैप कर लेता है ताकि उसकी वजह से स्पाइडरमैन उससे मिलने आए। ऑक्टेवियस के जाने के बाद पीटर का पूरा ध्यान मैरी को बचाने में लग जाता है, इसीलिए उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती है और तब वो डेली ब्यूगल जाकर अपना सूट वहाँ से निकाल लेता है। फिर वो स्पाइडरमैन बनकर डॉक्टर ऑक्टोपस के पास जाता है और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वो दोनों एक चलती ट्रेन पे गिर जाते हैं और वहाँ जब बहुत देर की लड़ाई के बाद भी स्पाइडरमैन नहीं हारता तब ऑक्टेवियस उस ट्रेन के ब्रेक फेल करके वहाँ से हट जाता है ताकि स्पाइडरमैन उस ट्रेन को रोकने में बुरी तरह थक जाए। उस ट्रेन पे पीटर का मास्क थोड़ा जल जाता है इसीलिए वो उसे कुछ देर के लिए उतार देता है और वो बिना अपनी पहचान की परवाह किए उस ट्रेन को रोकने में लग जाता है। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने जाल से उस ट्रेन को रोकने में कामयाब हो जाता है, पर इससे वो काफी कमजोर हो जाता है। उस ट्रेन के लोगों को अब स्पाइडरमैन की असलियत पता चल गई थी, लेकिन क्योंकि पीटर ने उन्हें बचाने में अपनी जान लगा दी थी इसीलिए वो लोग उसकी पहचान को राज रखने का वादा करते हैं। फिर जब पीटर अपना मास्क पहन लेता है तब वहाँ पर ऑक्टेवियस आ जाता है और वो थके हुए स्पाइडरमैन को बहुत आसानी से पकड़ लेता है और वो उसे हैरी के पास लेकर जाता है। फिर हैरी ऑक्टेवियस को वो ट्रिटियम दे देता है और ऑक्टेवियस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हैरी स्पाइडरमैन को मारने की तैयारी करता है, लेकिन पहले वो उसका चेहरा देखना चाहता था इसीलिए वो उसका नकाब उतार देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। ये देखकर हैरी बहुत हैरान हो जाता है और वो पीटर से अपने पिता के बारे में पूछता है, लेकिन पीटर को अभी मैरी की फिक्र थी क्योंकि वो अभी भी ऑक्टेवियस के कब्जे में थी। ऊपर से पीटर को हैरी से ये पता चल गया था कि ऑक्टेवियस फिर से ट्रिटियम का इस्तेमाल करके फ्यूजन रिएक्शन करने वाला है,
जिससे न सिर्फ मैरी को खतरा था बल्कि उससे पूरा शहर भी तबाह हो सकता था। इसीलिए वो हैरी से ऑक्टेवियस का पता पूछ के उस फैक्ट्री में चला जाता है, लेकिन तब तक ऑक्टेवियस ने उस रिएक्टर को चालू कर दिया था और तब उसकी और स्पाइडरमैन की फिर से लड़ाई चालू हो जाती है। उतनी देर में वो फ्यूजन बढ़ता जाता है और वो फिर से अनस्टेबल हो जाता है। फिर स्पाइडरमैन ऑक्टेवियस को बिजली का एक झटका देकर उसे कमजोर कर देता है और वो उस रिएक्टर का वायर निकाल देता है, लेकिन इस बार वो रिएक्शन इतनी बढ़ गई थी कि वो बिना पावर के भी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए पीटर अपना नकाब उतार के ऑक्टेवियस से बात करता है और वो उन्हें समझाता है कि उस आर्मर ने उन्हें बुरा बना दिया है, जबकि वो एक अच्छे इंसान है और उन्हें उस रिएक्शन को बंद करना होगा। पीटर की असलियत जान के और उसकी बात सुन के डॉक्टर ऑक्टेवियस उससे कन्विंस हो जाते हैं और वो अपने आर्मर को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। फिर वो बताते हैं कि उस फ्यूजन को सिर्फ नदी में डुबाकर ही बंद किया जा सकता है और ये काम वो खुद करने का फैसला करते हैं। फिर वो उस रिएक्टर समेत उस सूरज को पानी में डुबा देते हैं और वो उसे नदी में ही पकड़ के रखते हैं, जिससे वो रिएक्शन बंद होने लगती है और इसके साथ ही डॉक्टर ऑक्टेवियस भी मारे जाते हैं। इसी दौरान मैरी को पीटर की असलियत पता चल गई थी। फिर पीटर उसे बचाकर वहां से निकाल लेता है और वो उसे समझाता है कि उसके स्पाइडरमैन होने की वजह से वो दोनों साथ में नहीं रह सकते। दूसरी तरफ हैरी इस बात से परेशान था कि स्पाइडरमैन असल में उसका बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए वो ना तो उसे आसानी से मार सकता है और ना ही उसे छोड़ सकता है। इसी उलझन में हैरी को एक भ्रम होता है। उसे आईने में अपने पिता दिखने लगते हैं, जो कि उसे पीटर से बदला लेने बोलते हैं। इस सबसे परेशान होकर हैरी उस आईने को तोड़ देता है। उस आईने के पीछे एक तहखाना था जहाँ पर ग्रीन गोब्लिन का सारा सामान रखा हुआ था। वहाँ पर हैरी को अपने पिता का बनाया हुआ फॉर्मूला मिल जाता है। ये सब देखकर हैरी को पता चल जाता है कि उसके पिता ही ग्रीन गोब्लिन थे। उधर मैरी की शादी का दिन आ गया था, लेकिन वो काफी कंफ्यूज थी और वो इससे खुश नहीं थी, इसीलिए वो अपनी शादी छोड़कर वहां से निकल जाती है और वो पीटर के पास चली जाती है और वो पीटर को बोलती है कि भले ही उसके स्पाइडरमैन होने की वजह से उनकी जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहना चाहती है। इसीलिए अब पीटर भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो अपने प्यार के साथ साथ अपने फर्ज को भी संभालने में लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी स्पाइडरमैन 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।